सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो इस वीडियो का टॉपिक है अपने न्यू शेड के बारे में कि हमारा जो न्यू शेड है अब कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसके जो है स्क्रैपर वो लग चुके हैं। तो ये 12 फीट का फर्श है तो 12 फीट का स्क्रैपर है, और ये सबसे बैक साइड है जहाँ पे क्यूबिकल लगेंगे, तो इस साइड क्यूबिकल लगेंगे। और हम जो है वाटर टैंक बाहर की तरफ रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको साफ करना बहुत आसान होता है और गायें भी जो है बाहर आके पानी आराम से पीती हैं। और ये जो रेलिंग है रास्ता है गाय के आने जाने के लिए, जब गायें मिल्किंग पार्लर में जाएगी तो उनका ये रास्ता है आने के लिए। और ये वाला जो है सारा, ये सारा जो है गाय का रास्ता है मिल्किंग पार्लर के लिए जाने के, मिल्किंग पार्लर में जाने के लिए। और जहाँ से जो गाय है, ये वाला फर्श हमने जिसमें बॉक्स बनाए हैं, तो जहाँ से गाय अपने पैन में जाएगी, ये रास्ता है, और इधर से अपने पैन में जाएगी। तो जब गाय घूमकर मिल्किंग पार्लर में जाएगी तो उसका जो पाँव है लड़खड़ाई नहीं जहाँ फिसले नहीं, इसलिए जहाँ पे हमने जो बॉक्स लाइनें जो है बॉक्स की तरह डाली हैं ताकि जो गाय का खुर है इसमें अटक जाए और गाय को फिसलन की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम प्लेन रखेंगे तो गाय जो है फिसल जाती है या जंपिंग करते समय फिसल जाती है उनके पाँव, तो फिर गाय गिरती है, उससे उनकी जो टंगनी है उस पर चोट लगती है, उनके लिगामेंट्स फट जाते हैं। तो बाद में जो पशु है हमारा गाय है वो बहुत ही कीमती होते हैं, वो क्योर नहीं होते हैं, धीरे धीरे मौत की तरफ चले जाते हैं। जिनके लिगामेंट्स बिल्कुल फट जाते हैं जहाँ पट के नीचे की जो हड्डी है वो टूट जाती है। तो इसलिए जहाँ से हमारी गाय ने अराउंड घूमना है तो वहाँ हमने जो है बॉक्स लगाए हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, तो आप पूछते हो ना कि आप अपने बच्चे को कैसे पे देते हो, तो ये अभी अभी जो है पनीरी को पानी लगा के आ रहा है धान की नर्सरी को, तो ये पूरी हेल्प कराते हैं हमारी खेती में भी और फार्म में भी। तो अभी ये TMR भी बनाएगा साथ में लेबर के। तो बड़ा बेटा जो है पूरा हमारे जो काफ है बछड़ियां हैं उनकी TMR की जिम्मेवारी उसकी होती है और उनको खाने पिलाने की सभी जिम्मेवारी उसकी होती है। तो आज हमने जो है जैसे मुंह खुर की जो वैक्सीनेशन की है अपनी गाय की, हमने बछड़ियों की जो है रक्षा ट्रायोविक के साथ की है, और गाय की जो है वो रक्षा बायोविक के साथ की है। तो ये मेरे दोनों बेटों ने हमारी पूरी हेल्प की है वैक्सीनेशन करते समय। तो ये हर काम में, हर फार्म के काम में, खेती के काम में हमारी पूरी हेल्प करते हैं, और उसी के हिसाब से इनकी जो तनख्वाह हमने लगाई हुई है कि, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने पे लेनी है और हमने काम भी करना है, और साथ साथ में ये अपनी छोटी उम्र में सीख भी रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको पे देते थे पहले, जब ये हमारे साथ थोड़ा मिल्किंग करवाते थे, जब स्टार्टिंग पे इनकी जो थी 5,000 से शुरू की थी, फिर इनकी जो 6,000 की, तो अब इनकी जो पे है 7,000 रुपया है। और साथ में जब ये साइलेज डलवाते हैं, मक्की का साइलेज, वो आपको नजर आ रही होगी हमारी मक्की, अभी इनका जो साइलेज है जे मक्की का हमने डालना है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को जो है वो सैलरी देते हैं उनके वर्क के हिसाब से। तो उनको सैलरी जो है उनके, अब हमने इनको अकाउंट बनवाए हैं और उनके अकाउंट में ही डालेंगे, तो ये अपने हिसाब से जो है अपनी सैलरी को यूज करते हैं। तो ये रास्ता बन गया है ये वाला, इधर से जो गाय है इस रास्ते से आए जाएगी, पानी पिएगी, और इस साइड जो है हमने खुलियां बनाई हैं। और ये खुलियां वाला फर्श जो 14 फीट का है, ये हमने बड़ा रखते हैं थोड़ा, क्योंकि गाय जब पट्ठा खाती है
खुलियों में तो आगे पीछे होती हैं और पीछे से गायें जो है घूम के खुली की तरफ भी आती हैं और घूम के पानी की तरफ भी जाती हैं। इसलिए ये फर्श हम बड़ा रखते हैं ताकि गायें को आने जाने और पट्ठा खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे न्यू शेड की अपडेट। तो जल्दी ही ये जो फर्श है हमारा 16 फीट का, इसमें क्यूबिकल लगेंगे तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। ऐसी फार्म से रिलेटेड और फार्म से रिलेटेड, क्योंकि डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर दोनों का साथ साथ में संबंध होता है, क्योंकि दोनों का जो है आपस में बहुत गहरा संबंध है, डेयरी फार्मिंग का भी और एग्रीकल्चर का भी। तो इसके ऊपर मैं एग्रीकल्चर, हम कौन सी फसलें की बिजाई करते हैं डेयरी फार्मर से रिलेटेड, उनका वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डेयरी फार्म और डेयरी एग्रीकल्चर के साथ साथ में प्रॉफिट में रखने के लिए, तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।